स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग टू ऑल। टुडे वी आर डूइंग रीडिंग पार्ट ऑफ दिस, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। इन आ मोमेंट एवरी वो चेंज माय फ्यूचर लाइफ मॉडल इनटू द डेफिनेट स्ट्रीम। तो इन अ मोमेंट एवरीथिंग वो चेंज, तो कुछ ही समय में सब कुछ चेंज हो गया और माय फ्यूचर लाइफ जो है मॉडल इनटू द डेफिनेट शेप, और जो मेरी फ्यूचर लाइफ है वो भी ढल गई। मॉडल होता है ढल जाना, चेंज हो जाना, तो मेरी जो लाइफ है वो भी जो है एक ढल गई, एक प्रकार से चेंज हो गई। और डेफिनेट शेप में माय मदर्स फेथ इन द रिवार्ड मी रिवार्डेड, तो मेरी जो मदर का जो विश्वास था तो उसने मुझे रिवार्डेड किया, मतलब उसने मुझे बहुत सहारा दिया, काफ़ी मेरी हेल्प की। मीन टू शेप द राइटर एंड हर सीक्रेट फियर चेंज इन टू द ओपन ट्रम्प, उसका जो सीक्रेट फियर था, उसका जो सीक्रेट जो डर था, उसने जो है मुझे एक प्रकार से उसका सीक्रेट जो फियर जो था, वो कुछ डरती थी, चेंज इन टू द ट्रम्प ओपन ट्रम्प, मतलब एक मेरी एक प्रकार से मेरा विजय में उसने चेंज किया। ट्रम्प मैंने यहाँ पर विजय प्राप्त कर, आई कैन सी एंड फील द होल सीन, मैं सारे सीन को देख सकता था, फील कर सकता था, एज इफ इट हैज हैपन टू द लास्ट वीक, कि मानो वो पिछले वीक ही हुआ हो। और इट वॉज द आफ्टरनून ऑफ द कॉल्ड ग्रे दिसंबर डे, और ये आफ्टरनून का समय था जिसमें ठंडी जो है दिसंबर का दिन था, और द स्ट्रीट आउटसाइड ग्लिस्टर्ड विद स्नो, तो बाहर जो गलियाँ थी ग्लिस्टर मैंने स्वाइन चमकना, कि वो चमकी हुई थी और बर्फ़ से बिल्कुल चमक रही थी। द वाइट स्पार्कल फ्लैक्स, अब जो वाइट कलर के जो फ्लैक्स मीन्स पीसीस, जो स्पार्क चमकदार जो पीसीस थे बर्फ के स्ट्रक, वो चिपकी हुई थी मेल्टेड ऑन द विंडो पेन, और पिघल कर विंडो पेन पे लगी हुई थी। एंड हैंग ऑन द बफ ऑफ द ट्री, और बफ होता है शाखाएँ, और जो ट्री की जो शाखाएँ थी उन पर ऐसे लटकी हुई थी कि मान लो दी ज़्यादा लाइक द मोल्टन सिल्वर, मोल्टन मैंने पिघला हुआ, जैसे कोई पिघली हुई चांदी होती है, तो ऐसे वो दिखाई दे रही थी। इनसाइड ऑल द फैमिली वर गैदर्ड अराउंड द बिग किचन फायर एंड दैट लिट अप द लिटिल रूम विद द वार्म ग्लो, ऑल द फैमिली वर गैदर्ड, तो वहाँ पर जो सारी फैमिली है वो इकट्ठी हो रही थी, वहाँ पर सारी फैमिली, मेरी फैमिली वहाँ पर इकट्ठी हो रही थी, और उस बड़ी सी किचन में फायर दैट वहाँ पर आग जल रही थी लिटिल रूम में, और विद अ वार्म ग्लो, और वहाँ पर काफ़ी गर्माहट थी और कुछ आग की वजह से चमक थी। नेक्स्ट देखिए, इन अ कॉर्नर मोना एंड पैटी वर सिटिंग हडल्ड, तो मोना और पैटी वहाँ पे हडल्ड मीन यहाँ पे गैदर्स अराउंड क्लोज टुगेदर वन, यानी एक दूसरे के पास सटकर बैठे हुए थे, मीन्स हडल्ड टुगेदर ऑफ यू टोन स्कूल प्राइमर्स बिफोर देम, तो उनके सामने एक स्कूल की प्राइमर होता है बेसिक जो बुक्स हैं वो फटी हुई सी वहाँ पे रखी हुई थी कुछ पेजेस, दे वर राइटिंग डाउन लिटल सम ऑन टू द ऑन द ओल्ड चिप स्लेट, तो वहाँ पे जो वो लिख रहे थे, चिप्ट होता है छोटा सा टुकड़ा, तो स्लेट का एक छोटा सा टुकड़ा था पुराना सा, तो उसके ऊपर वो कुछ सम लिख रहे थे, यूजिंग अ ब्राइट पीस ऑफ येलो चौक, तो एक ब्राइट पीस लेकर येलो चौक का कुछ लिख रहे थे, आई वॉज क्लोज टू थेम, मैं उनके क्लोज में था, एंड प्रॉप्ड अप बाई अ फ्यू पिलर्स अगेंस्ट द वॉल वॉचिंग, प्रॉप्ड अप होता है टू कीप प्रॉप्ड, इट्स मीन टू बी, इसका मतलब है कि सहारा देना, ओके टू हेल्प, मैं वहाँ पे आई वॉज क्लोज टू देम प्रॉप्ड अप अ फ्यू पिलर्स, कुछ पिलो का सहारा लेके, तकियों का सहारा लेके मैं वहाँ पे सब कुछ आम वॉचिंग एवरीथिंग, वो देख रहा था सब कुछ राइटर, क्योंकि वो कमज़ोर था, वो बैठ तो सकता नहीं था, वो केवल सहारा लेकर बैठ सकता था। तो इट वॉज द चौक दैट अट्रैक्ट मी सो मच, ये चौक ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि इट वॉज लॉन्ग स्लेंडर स्टिक की विविड येलो, ये येलो कलर का लंबा सा स्टिक जो विविड यहाँ पे है चमकदार येलो कलर का चौक था, आई हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, और ऐसा चौक मैंने पहले कभी नहीं देखा, एंड इट शोड अप सो वेल अगेंस्ट द ब्लैक सरफेस ऑन द स्लेट, और ब्लैक सरफेस पर स्लेट कितना अच्छा दिखाई दे रहा था कि दैट आई वॉज फैसिनेटेड बाई इट, फैसिनेट मैंने अट्रैक्ट होना, इसका मीनिंग है अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड, तो मैं बहुत अट्रैक्टेड हुआ कि एज इफ इट हैड बीन अ स्टिक ऑफ गोल्ड, कि ऐसा लगा जैसे कोई सोने की ये छड़ हो, मुझे ऐसा लगा कि वो चौक जैसे कोई सोने की छड़ हो।
सडनली आई वॉन्टेड डिस्परेटली टू टू व्हाट माई सिस्टर वॉज डूइंग। तो अचानक जो डिस्परेटली होता है एक आवश्यकता, जैसे बहुत ज़्यादा जरूरत, तो मैंने एकदम से ऐसी जरूरत समझी कि व्हाट माई सिस्टर वॉज डूइंग, कि जो वो कर रही है मैं भी वो करूँ। तो डिस्परेटली होता है इसका मीनिंग यहाँ पे इन अ मैनर ड्राइवन बाय द एक्सट्रीमली अर्जेंसी, जैसे कि बहुत ज़रूरत हो। देन विदाउट थिंकिंग ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, आई रीच आउट एंड आई टुक द स्टिक ऑफ द चॉक आउट ऑफ माई सिस्टर हैंड विद माई लेफ्ट फुट। तो अपने लेफ्ट फुट के साथ मैं वहाँ पर पहुँचा और फिर लेफ्ट फुट के साथ जो है मैंने अपनी जो सिस्टर है उसे चॉक को लिया। आई डू नॉट नो वाई आई एम यूज माई लेफ्ट फुट टू डू दिस, मैं नहीं जानता कि मेरा लेफ्ट फुट क्या करेगा, वो क्या किया उसने। आई हैड नेवर अटेम्प्ट बिफोर दिस टू यूज़ आइदर ऑफ माई फिट इन एनी वे, क्योंकि मैंने किसी प्रकार से अटैम्प्ट ही नहीं किया कि जो मेरा फिट जो है इस प्रकार से कार्य करे। दे कुड हैव बीन एज यूजलेस टू मी एज वर माई हैंड, वो तो बिल्कुल ऐसा था यूजलेस जैसे मेरे के हैंड यूजलेस थे, तो पैर भी ऐसे ही यूजलेस था। दैट हावर माई लेफ्ट फुट एज इफ बाई इट्स ओवन डिसीजन, तो मैंने सोचा कि शायद मेरे पैर का अपना डिसीजन है। रेस आउट एंड वेरी इम्पोलाइटली टुक द चॉक आउट ऑफ माई सिस्टर हैंड, तो बड़े प्रेम से जो सिस्टर के हैंड से वो चॉक लिया। आई हेल्ड इट टाइटली बिटवीन माई टो एंड द मेट अ विल सॉर्ट ऑफ द स्क्रिबल विथ इट एंड द स्वेट, तो मैंने उसके वो चौक लिया और एक कुछ लाइनें उल्टी सी लाइनें जो है स्क्रिबल होता है उबड़ खाबड़ सी या फिर टेढ़ी मेढ़ी कुछ लाइनें सेट पर लिखी मैंने। द नेक्स्ट मोमेंट आई स्टॉप सरप्राइज लुकिंग डाउन एट द स्टिक ऑफ द येलो चौक स्टक बिटवीन माई टो, फिर मैं रुक गया, मैंने देखा बड़े हैरानीजनक रूप से कि जो चौक का टुकड़ा मेरे पैरों में था, फिर मैं उसकी तरफ देखने लगा। नॉट नोइंग व्हाट टू डू विद द नेक्स्ट, अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। हार्डली नोइंग हाउ इट गॉट देयर, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये मेरे पैर में कैसे आ गया। देन आई लुक्ड अप एंड बिकम अवेयर दैट एवरीवन हैज स्टॉप्ड टॉकिंग एंड वाज स्टेयरिंग एट मी साइलेंटली, तब मैंने देखा कि सब कोई जो है अवेयर है इस बात से और सब ने बातें करना बंद कर दिया है। नोबडी स्टायर्ड, कोई नहीं हिला मोना हर ब्लैक कॉल्स फ्रेम फ्रेमिंग हर चब्बी लिटिल फेस, चब्बी मैंने मोटा सा होता है, तो मोना जो उसके बाल जो है उसके मोटे से चेहरे पर जो है गिरे हुए थे। स्टेयर्ड एट मी विद अ वेरी ग्रेट बिग आइज एंड ओपन माउथ, वो बड़े मतलब थोड़ी आंखें से निकाल के और बड़े हैरानी के साथ खुला मुंह करके मेरी तरफ देख रही थी। इट मीन्स ही वाज सरप्राइज्ड टू सी व्हाट इज हैपनिंग नाउ। ओके, तो आज यहाँ तक ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देख रहा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।